दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दिल्ली और राजस्थान के बीच खेले गए मुकाबले में दिल्ली के दो धुरंधर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया जिसे देखकर तो भारत के पूर्व विगत बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी उनके मुरीद हो गए और उनकी प्रशंसा में कुछ ऐसा कह डाला जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको वीरेंद्र सहवाग के इस बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या श्रेयस अय्यर को T20 वर्ल्ड कप की टीम में चुना जाना चाहिए था या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों शानदार शनिवार के दिन खेले जा रहे जबरदस्त मुकाबले में दिल्ली और राजस्थान की टीम आपस में भिड़ते हुए नजर आई, जिसमें दिल्ली के दो धुरंधर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में पूरी तरीके से राजस्थान पर अपना शिकंजा कस लिया था। बता दें इस जबरदस्त प्रदर्शन के पीछे श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का योगदान था, जिनकी इस धमाकेदार बल्लेबाजी को देखकर तो भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग भी उनके मुरीद हो गए और उन्होंने इन दोनों बल्लेबाजों की प्रशंसा में कुछ ऐसा कह डाला जिसको सुनकर तो शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, वीरेंद्र सहवाग ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली की टीम इस साल सबसे खतरनाक टीम लग रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस शानदार अंदाज से दिल्ली के खिलाड़ी हर एक मुकाबले में खेल रहे हैं वो यकीनन इस साल का IPL का खिताब अपने नाम करने में पूरी तरीके से कामयाब रहेगी और दिल्ली के इस जबरदस्त अंदाज के पीछे उनके बल्लेबाजों का सबसे बड़ा योगदान है, जिसमें ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर का नाम सबसे पहले आता है। इन दोनों बल्लेबाजों ने हमेशा से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिल्ली की टीम को जीत हासिल कराने में अपना सबसे अहम योगदान दिया है और वो इस साल भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जैसे इस मुकाबले में शानदार तरीके से वापसी की है उसे देखकर तो उनका दिल बेहद ही खुश हो गया है, क्योंकि एक खिलाड़ी जो इतने लंबे समय के बाद मैदान पर इतने अहम मुकाबले खेलने के लिए उतर रहा है और वो इन मुकाबलों के दबाव को समझने के साथ साथ जबरदस्त प्रदर्शन करने में कामयाब रहा है, ये देखकर तो वो श्रेयस अय्यर को सलाम करना चाहेंगे। और वहीं अगर बात की जाए ऋषभ पंत की तो दिल्ली की टीम आज के समय में जितनी घातक टीम है उसके पीछे सबसे अहम योगदान ऋषभ पंत का है। उन्होंने पहले अपनी बल्लेबाजी से खूब नाम कमाया और अब वो जबरदस्त कप्तानी से ये भी साबित कर रहे हैं कि वो बल्लेबाज के साथ साथ कप्तान भी कितने ज्यादा बेहतर है। उनको पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली के खिलाड़ी इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहे तो इस साल दिल्ली की टीम को IPL का खिताब जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन दोस्तों वीरेंद्र सहवाग के ये बयान सुनने के बाद आप सभी को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर साथ मिलकर दिल्ली की टीम को इस साल का IPL का खिताब जिताने में कामयाब रहेंगे या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।